या तो आप जितने प्रत्यावेदन मिले हैं उनकी जांच करिए या फिर पूरे रिजल्ट को रिवाइज करिए। तो पिछले दो साल से सर हम लोग केवल बरगलाया जा रहा है, पुनर्मूल्यांकन का जो रिजल्ट है लगातार हम लोग को धरना देने की वजह से यार। कार्यकाल एक ही हो लेकिन युवाओं को अगर सही टाइम पर रोजगार मिल जाए, एक भर्ती को आप उसका समय सीमा निश्चित कीजिए ना। माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आपके ये जो अधिकारी हैं ये लगातार बरगलाने का काम किए हैं। कहीं ना कहीं छोटे से बच्चे हैं हमारा, किस तरह हम छोड़ के आए, एक वर्ष का उसके दांत निकल रहे हैं, उसके ऐसे घर में उनके मेरे पति आज छुट्टी लिए हैं, उसको रखे हुए हैं, तब हम यहाँ पर आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो रोजगार के लिए नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष लगातार और लंबा होता जा रहा है, लगातार खिंचता जा रहा है। हर दूसरे दिन किसी ना किसी भर्ती के लोग लखनऊ पहुंचते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। जैसे बीते दिनों 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धरना दे रहे थे, उससे पहले लेखपाल के अभ्यर्थी धरना दे रहे थे, और आज एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में हम आपको निषादगंज SCLT कार्यालय पर मौजूद है। तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, ये इस पूरी अपनी जो भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2021 में ये भर्ती निकली थी, जिसके बाद जो है इन्होंने अपनी परीक्षा दिया और परीक्षा के बाद परिणाम आया, और अब उसके बाद जो है ये रिजल्ट के लिए और नियुक्ति पत्र के लिए तमाम अभ्यर्थी हैं जो लगातार धरना दे रहे हैं। लगभग आपको बता दें उत्तर प्रदेश के तमाम सभी जनपदों से यहाँ पे ये अभ्यर्थी हैं, हमारे साथ हैं, कुछ लोग बात कर लेते हैं। क्या नाम? जी मेरा नाम CP सिंह सिंगरौर है। और कहाँ से आए? प्रयागराज से आए हैं, और प्रयागराज में लगातार धरना हम लोग दे रहे थे, वहाँ से विफलता मिलने के कारण हम लोग यहाँ पे आज लखनऊ SCERT में धरना दे रहे हैं। ठीक है कि हम लोगों की मुख्य मांग ये है कि ये जो हम लोग शिक्षक भर्ती आई थी 2021 में, इसका एग्जाम की पहली बार डेट अप्रैल में आया था, उसके बाद कोविड की लहर की वजह से 2021 में फिर ये एग्जाम हुआ अक्टूबर में, 17 अक्टूबर को होता है, इसका रिजल्ट आता है 15 नवंबर 2021 को। फिर इसका जब रिजल्ट आता है तो ये थोड़ा सा कोर्ट में चला जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों का नंबर कम हो जाता है तो वो कोर्ट चले जाते हैं। फिर उसके बाद माननीय न्यायालय ने उनसे कहता है कि जो है आप इसको विचार करिए कि इसमें धांधली हुई है पुनर्मूल्यांकन को लेकर, या तो आप जितने प्रत्यावेदन मिले हैं उनकी जांच करिए या फिर पूरे रिजल्ट को रिवाइज करिए। तो इन्होंने पूरे रिजल्ट को रिवाइज किया। पूरे रिजल्ट को रिवाइज करने के बाद ये हुआ कि जो बच्चे फेल थे या जिन बच्चों के नंबर कम थे उनके तो बढ़ गए, जो बच्चे पास थे वो फेल हो गए। तो मामला सामने ये आया कि वो डबल बबल वाले थे, जिन्होंने जैसे जिसका दो विषय है हिंदी संस्कृत, तो उन्होंने दोनों में गोला मार दिया, तो ऐसे लोगों को नई एजेंसी जो कॉपी चेक की थी बाहर कर दी। तो वो बच्चे कोर्ट में गए, तो हालांकि कोर्ट में गए थे तो प्रक्रिया चल रही थी, हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, तो उसके बाद अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, इतना ढीला ढवाली काम करने की वजह से माननीय न्यायालय ने स्टे कर दिया। उसके बाद से लगातार सुनवाई में स्टे को बढ़ाया नहीं गया, हालांकि प्रतिवादी के जो वकील थे लगातार माननीय न्यायालय से न्यायाधीश से कहते थे कि आप स्टे बढ़ाइए, स्टे को नहीं बढ़ाया गया। डिसीजन 6 महीने का सुनने के बाद डिसीजन आता है, एकदम साधारण डिसीजन आता है इसकी फिर से सुनवाई होगी। ऐसे में हम लोग विधिक राय लेते हैं, तमाम AGA से या CSC से मुलाकात करते हैं, और तो इवन जो हमारे जो परीक्षा नियामक के संस्था है उनके जो प्रमुख सचिव हैं श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, वो भी कहते हैं कि इसमें स्टे नहीं है। और लगातार जो हम लोग भी पर्सनल विधिक राय लेते हैं वो भी बोलते हैं कि जब इसमें स्टे बढ़ाया नहीं गया था डेट बाय डेट देने में, तो इसमें स्टे नहीं है, तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग शिक्षा निदेशालय से बात करिए, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी कहते हैं कि ऐसा है, हम इसमें विधिक राय लेंगे तब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ये विधिक राय लेते हैं तो विधिक राय में जहां तक मुझे पता है इन्होंने हमको कॉपी नहीं दी, हमने कॉपी मांगने की बात की, इन्होंने कहा हम कॉपी नहीं देंगे। गोल गोल घुमाया जा रहा है, बिल्कुल गोल गोल घुमाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है पिछले 2 साल से सर हम लोग केवल बरगलाया जा रहा है। हम लोग 2 साल में इतना धरना प्रदर्शन किया, इवन मैं आपको बता दूं सर पुनर्मूल्यांकन का जो रिजल्ट है लगातार हम लोग को धरना देने की वजह से यार। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। पहले तो आप लोग जो है भर्ती की तैयारी करते हैं, लिखित परीक्षा, मौखिक, सारी चीज, आप क्या लगता है धरना प्रदर्शन की भी इसी में एक हिस्सा जुड़ गया कि जब तक धरना नहीं देंगे जब तक भर्ती नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल, आपका सवाल बढ़िया है, और ये पूरे हमारी सिर्फ भर्ती का नहीं है, ये आप लेखपाल भर्ती देख लीजिए, पहले उसका रिजल्ट 31 जुलाई पिछले साल हुआ, अभी रिजल्ट आया 2-3 महीने पहले, और अभी तक उसका DV का डेट घोषित नहीं है। 2018 BDO की भर्ती परीक्षा हुई, DV आधा शुरू हुआ और उसके बाद फिर वो भर्ती रद्द कर दी गई, री एग्जाम हुआ। इसी तरह हमारी भर्ती प्रक्रिया है, 2021 में इसके वैकेंसी आई, अप्रैल में एग्जाम होना था लेकिन कोविड के कारण अक्टूबर में हुआ, रिजल्ट नवंबर में आया, और तब नवंबर 21 से लेकर आज 23 नवंबर आने वाला है। 2 साल में एक कदम भी भर्ती आगे नहीं बढ़ पाई, तो ये प्रक्रिया का उत्तर प्रदेश का मुझे लगता है हिस्सा बन गया, क्योंकि सरकार का तो दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, मगर जो अभ्यर्थी तो जो युवा थे जो पहले कार्यकाल में बेरोजगार थे वो दूसरे कार्यकाल में भी बेरोजगार हैं, तो ये कैसे देखते हैं?
निश्चित तौर से आपका प्रश्न, बिल्कुल आपका प्रश्न और उत्तर दोनों ही दे रहे हैं आप, बिल्कुल चाहे पहला कार्यकाल हो या कार्यकाल से मतलब नहीं है, कार्यकाल एक ही हो लेकिन युवाओं को अगर सही टाइम पर रोजगार मिल जाए, एक भर्ती को आप उसका समय सीमा निश्चित कीजिए ना, अनिश्चित समय 2012-13 की भर्तियां भी, 2016 की भर्ती, सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं कह रहा हूँ, कोई भी सरकार रही हो भर्ती प्रक्रिया के लोग लेके कोई भी सरकार गंभीर। जिम्मेदार कौन है, अधिकारी हैं या फिर सरकार सीधे, क्योंकि सरकार भाई मंत्री बैठे हुए वो मॉनिटर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लापरवाही किसकी मानते हैं? देखिए मुझे लग रहा है इसमें कोलैबोरेशन है और ज़्यादातर अधिकारियों की, अगर परसेंटेज में आप निकालें तो अधिकारियों की जो मिसगाइड करते हैं और बड़ा अच्छा अच्छा दिखाते हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे किसी भर्ती में स्टे नहीं है, तो कैसे उनको पता, अधिकारियों ने ही तो बताया, तो अधिकारी लोग सिर्फ पॉलिशिंग के लिए, चमकाने के लिए और इस तरह की चीज़ें प्रेजेंटेशन देते हैं। प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? ये प्रोटेस्ट हमारा तब तक चलेगा और यहाँ नहीं, हम प्रयागराज जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, इस भर्ती की तिथि नियत हो कि कब ये भर्ती कंप्लीट होगी, हमको ये कन्फर्म। युवाएं बात कर लेते हैं, कहाँ से आए? मैं आया हूँ प्रयागराज से। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम है महित कुमार विश्वकर्मा, मैं जूनियर एड शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। कितने लंबे समय से पहले आप लोगों ने तैयारी की, फिर उसके बाद धरना दे रहे हैं? देखिए मैं 14 में 12th पास आउट हुआ, 3 साल हमने ग्रेजुएशन में निकाल दिए, उसके बाद हम बड़ी उम्मीद से डीएलएड किए कि अब हमारे लिए जॉब आएगी, तो प्राइमरी की बात चल रही थी, प्राइमरी की जॉब आने से रही, उसके बाद जूनियर एडेड की आई, तो इससे बड़ी उम्मीदें थी, दिन रात एक करके हमने मेहनत की, एग्ज़ाम भी टाइम से हो गया, रिजल्ट भी टाइम से आ गया, रिजल्ट आने के बाद फिर ये भर्ती गई कोर्ट में, कोर्ट में गई भर्ती, उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट रिवाइज हुआ, दोबारा रिजल्ट आया, तो हम लोग तो पूरा भर्ती प्रक्रिया हमने सुन लिया। अब ये है कि संघर्ष कब तक चलता रहेगा? अभी 24 में चुनाव है, सरकार फिर दावे वादे करेगी नौकरी के। देखिए संघर्ष हम लोग तो हमेशा से करते आए हैं, अभी हम इस मोटिव के साथ आए हैं कि हम तब तक संघर्ष करेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग न मानी जाए। हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है, हम कुछ इलीगल नहीं मांग रहे हैं, 2-3 साल से हम इस में नियुक्ति प्रक्रिया का वेट कर रहे हैं। ये बताइए, हमने एग्ज़ाम दिया है, मेहनत की है, मेरिट में हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग मेरिट में आएंगे, इसमें हम क्या गलत मांग रहे हैं बताइए? 2-3 साल से वेट कर रहे हैं, आप अगर निकाले हैं तो इसमें ज्वाइनिंग दीजिए, हम लोग हमारे स्कूल में भेज दीजिए। 24 में चुनाव है, असर दिखेगा अगर नियुक्ति नहीं मिलती, भर्ती नहीं? बिल्कुल 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 दिखेगा। इसके पहले आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, बड़ी उम्मीद से हम लोग इनको माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चुने हैं। और देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरी बात अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचे तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि पहले भर्ती मैनेजमेंट के थ्रू होती थी, उन्होंने इस भर्ती में हमको शामिल होने का अवसर दिया है, मैनेजमेंट के स्कूल में हमको जाने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा मंत्री की भी तो जिम्मेदारी कुछ बनती है, शिक्षा मंत्री को, शिक्षा मंत्री जी का क्या कहें, ये वो है तो युवा लेकिन युवाओं की ही नहीं सुनते। आपको बता दें हम लोग कॉल करते हैं, हमारे नंबर ब्लॉक कर दिए जाते हैं, दूसरे ब्लॉक कर देता है, अब ये बिजी आता है, कॉल नहीं उठाई जाती शिक्षा मंत्री की तरफ से। अब जो भी है, जो भी उनको मैनेज करने वाले हैं, हम तो नहीं समझते उनके पास इतना टाइम होगा। उसके बाद अगर हमारा कोई दूसरा साथी कॉल करता है, जैसे परिचय पूछा जाता है, जैसे जूनियर एडेड का नाम लिया जाता है फोन कट। जूनियर एडेड के नाम पे इतना उदासीन हो चुके हैं, जैसे इस भर्ती को निकाल के वो खुद इसको भूल गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब आपको ज्वाइनिंग देनी ही नहीं थी, भर्ती करानी ही नहीं, तो आपने क्यों निकाल दी है? और अगर आपको नहीं करना है तो बिल्कुल क्लियर करिए कि हमको मैनेजमेंट के हाथों में देना, हम ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे, जाओ तुम अपना जो करना है। कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर से। अच्छा, मुजफ्फरनगर से लखनऊ इस प्रोटेस्ट करने आई हैं? हाँ, अपनी भर्ती को पूरा कराने के लिए आए हैं। मजबूरी किसी भी तरह हमारी भर्ती पूरी हो जाए और हमें हमारा हक मिल जाए। 2021 से 2023 लागू हो गया, दो मतलब ये भी कंप्लीट होने वाला है, लंबा संघर्ष हो गया है। सरकार बार बार महिलाओं के लिए तो विशेष बात करती है कि हमने उनको रोजगार दिया, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं, मगर महिलाएं यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। अब बताएं क्या करें, जब हमारी भर्ती पूरी नहीं हो रही, अपनी भर्ती के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब हमें लगा कि शायद यही एक आखिरी उपाय बचा है, तो हम यही कर रहे हैं, वरना 2021 से इंतजार ही कर रहे हैं अपनी भर्ती का पूरी होने का, किसी तरह पूरी हो जाए, किसी तरह पूरी हो जाए। बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। घर की भी जिम्मेदारी होगी, जाहिर सी बात है, आप लोगों की ऐसे में नौकरी कितनी इम्पोर्टेंट है। होती है भैया, आप भी देखो छुट्टी लेके आए हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप ये देखो इस एज में जब अधिकारी हमें कहते हैं कि क्या केवल यही परीक्षा बची, यही एक वो बचा है, एक बात बताओ, जब हम कितना पढ़े, कितने पेपर दें, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं या खुद पढ़ें,
अब एज हमारे बच्चों की हो रही है, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका होमवर्क करें या खुद एक कमरे में बैठ के खुद पढ़ें, इतना कंपटीशन है, इतनी मुश्किल से तैयारी करके यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर अब दूसरे एग्जाम में लग जाएं, तो ये चीज तो गलत है ना। सरकार हमारी भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी कर दे, हमें बस यही चाहिए। क्या नाम है? जी सर, हम यही लखनऊ से यहाँ है, एक वर्ष की बच्ची को अपने घर पे छोड़ करके, बताइए ये इतने लेट करेंगे भर्ती में तो कैसे हम लोग जिएंगे खाएंगे। हमारे घर तो हमारे पति की भी प्राइवेट नौकरी है और उनकी भी छूटी गई है। अब सरकार लगातार महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है, उनको रोजगार देने की बात कर रही है। वो अन्य क्षेत्रों में देते होंगे लेकिन हम तो देख ही लिए कि कितना दे रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी का कोई दोष नहीं है, दोष पूरा पूरा उनके अधिकारियों का है। प्रातः हम लोग जनता दरबार में भी गए, वहाँ पर प्रमुख सचिव सर मिले और मुख्यमंत्री जी नहीं आए, तो उसमें हम लोग ज्ञापन सौंप दिए लेकिन वो पता नहीं पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, इसमें हम लोग को कोई विश्वास नहीं कि वो पहुँचेगा। परिवार की अगर बात करें, कैसी जिम्मेदारियाँ हैं? आर्थिक रूप से जाहिर सी बात है कि हर आदमी संकट का सामना कर रहा है, तो वो चीजें कैसी हैं? सर हम तो छोटे से बच्चे हैं, हमारा किस तरह हम छोड़ के आए, एक वर्ष का उसके दांत निकल रहे हैं, उसके ऐसे घर में उनके मेरे पति आज छुट्टी लिए हैं, उसको रखे हुए हैं, तब हम यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत संघर्ष, ऑपरेशन का शरीर है तब हम लेके आए हैं। बहुत ये हम लोग की बात है, ये पूरी भर्ती उनको करना चाहिए, बहुत विलम्ब हो गया है, और नहीं करना है तो इसको निरस्त कर दें, ये ऐसे लटकाए ना रहे। हम लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं करना है आप निरस्त कर दीजिए, हम लोग किसी अन्य भर्ती में लग जाएंगे, लेकिन ऐसे फॉर्म भर के पैसा बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, अब क्या बचा है, अब उनको कर देना चाहिए भर्ती। तो जाहिर सी बात है ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से, या यूं कहें कि 75 जनपदों से वो तमाम अभ्यर्थी हैं जो इस जूनियर एडेड भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए एससीईआरटी कार्यालय पहुंचे। लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, इसमें तमाम वो महिलाएं हैं जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर ये यहाँ पर बीमारी की हालत में पहुंची है, प्रदर्शन करने पर मजबूर है। साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों की हिला हवाई से, सरकार की लापरवाही से इनका यह हाल हो गया है कि अपने बच्चों को, बीमार बच्चों को छोड़कर यहाँ पे धरना देने पर मजबूर है। देखने वाली बात ये काफी अहम होगी कि आखिर कब सरकार इनका सुध लेती है और कब इन्हें रोजगार मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, हैशटैग भारत न्यूज़ लखनऊ।